इतना चले है ना, इतना चले है, हमको लगता है कि आज मेरा 20 के स्टेप्स हो ही गया होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाय बहन, कैसी है? What was that? ऑलराइट, तो हम हो गए अब रेडी। एंड रेडी क्यों है ये तो पहले बता दे। हाँ, तो प्लान अभी ये है कि आई हैड टू मीट आकीब, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम हो गया है सिंस आई हैव नॉट मेट हिम। तो हम लोग कहीं भी जाके हैंग आउट तो करना ही था, कहीं भी जाके बैठना था। तो वी डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट, इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एंड सिटिंग, व्हाई नॉट टू गो टू आइकिया एंड चेक आउट द स्टफ। वैसे मैं बहुत टाइम से आइकिया जाना चाहती थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। इस टाइम वी थॉट कि चलो आइकिया जाते हैं और एक चक्कर लगा के आते हैं। स्पेसिफिक कुछ लेना तो नहीं है, बट जाके देखते हैं। कुछ ऐसे दिमाग में नहीं है कि हाँ, और ऐसा कुछ नीड भी नहीं है होम डेकोर का या फिर घर का आइटम का जो मेरे को ज़रूरत है। बट स्टिल आई जस्ट गो सी चेकआउट, अगर कुछ अच्छा लगता है तो लेंगे, अदरवाइज ठीक है एक राउंड लगा के आ जाएंगे। तो वीकेंड था और आइकिया भी जा रहे थे, तो सोचा कि व्लॉग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया व्लॉग किए हुए। बिकॉज यस, अभी के लिए चाय तो चढ़ा दिया था पहले ही, उसके बाद मैं थोड़ा सा नहा वहा के तैयार हो गई। तो चलते हैं अभी चाय पीते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। आकीब इज़ ऑलरेडी लेफ्ट और मेरे को भी जल्दी पहुंचना है वहाँ पे। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी वेटिंग फॉर मी। बाय द वे, यू गाइज शुड नो आकीब, आकीब इज माई फ्रेंड। तो पहले से अगर आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते आ रहे हो तो यू गाइज विल नो हु इज आकीब। तो आकीब इज माई फ्रेंड फ्रॉम माई कॉलेज एंड ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो आप लोग ऑलरेडी उसको जानते हो, और जो लोग नए हैं वो लोग आगे व्लॉग में जान ही जाओगे। बाय द वे, मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, क्वाड सेट, जो मैंने लिया था जूडियो से, और इसको मैंने पहना था सिंगापुर में। सिंगापुर के बाद ऐसा कोई चांस ही नहीं आया जिसको मैं पहनूं। एंड बाय द वे, मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। बात तो सही है, बट स्टिल थोड़ा ये बैगी टाइप का है तो उतना पता नहीं चल रहा है। ओके, सो ये है मेरा नाश्ता, चाय, एक रस्क बिस्किट और थोड़ा सा सोक्ड आलमंड। आलमंड्स को छीलना ना बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मीटिंग पॉइंट पे तो पहुंच चुकी हूँ, जो कि है सैंडल फैक्ट्री। अब मेरे को पता नहीं आकीब कहाँ है। वैसे आई मेड हिम वेट ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 30 मिनट्स, बट भाई साहब क्या गर्मी है बेंगलोर में। एंड मेरे साथ इतना कंडप हुआ ना, ऑलमोस्ट इससे पहले ना 5 कैब वाले भैया ने कैंसिल किया, 3 ऑटो वाले ने कैंसिल किया, फिर जाके लास्ट में एक ऑटो वाले का हाथ पर जोड़े कि प्लीज भैया मत कैंसिल करो। चला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर वो लेके आया है, दैट्स ओके, फाइनली रीच्ड। इसी वजह से मेरे को लेट हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव बीन ऑन टाइम। बाप रे, आई बैगन देखो इस औरत को। क्या देखो इस औरत को? हाय बहन, कैसी है? What was that? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमको बेवकूफ बनाया ये बोल के कि एक ही मेट्रो स्टेशन आएगा, उसके बाद हम लोग का डेस्टिनेशन है। 5 मेट्रो स्टेशन पार हो गया है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। इसके बाद है कि नहीं? हाय हाय। इसके बाद है? हाय हाय। वो आंटी मुझे देख रही है घूर घूर के, बहुत घूर घूर के देख रही है। वो तुम्हें सोने नहीं देता। वो मुझे सोने नहीं देता, वो मुझे खाने नहीं देता, वो मुझे पीने नहीं। हाँ, ये कर लो पहले। A few moments later. बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट। तू है ना, इसलिए और ज्यादा तारीफ करने के लिए शुक्रिया। आइकिया 2 साल से सोचते फाइनली आई क्या, आ चुके हैं हम। खरीदना कुछ नहीं है लेकिन आ चुके हैं, बट एक्साइटमेंट। क्या नहीं खरीदती है? हम कुछ नहीं खरीदेंगे, देख लेना। अच्छा, क्यों आई? मतलब तू क्या बनाने? व्लॉग बनाने आया। व्लॉग हॉट, आगे देख हॉट को क्या बोलते हैं?
हम लोग खाने ही तो आए हैं IKEA, ये सब तो पाँच टाइम में होगा। चलो ऊपर चलो। सुनो, जहाँ पे बेड वाला सेक्शन आएगा खा पी के वहीं जाएंगे सबसे पहले, ठीक है? उधर जाके लेट लेंगे। मेरे को भी बहुत जोर से भूख लगा है, बस चाय पिए, 6 almond खाए और 1 rusk ओनली। फिर भी चाय पी, मैं तो वो भी नहीं। तुम्हें कौन बोला था? हम चाय हमेशा मेक श्योर करते घर से पी के निकले। हमको क्या पता था तुम ऐसे 2 बजे घर से निकले। गाइस, हम आप लोगों को बताएं कि नहीं कि क्यों लेट हुआ है? नहीं। अब कैब वाले भैया लोग कैंसिल कर रहे थे तो क्या तुम्हारे वजह से? तो मेरे को तू पहले बोल देती ना। हम टाइम पे उठे थे, हम टाइम पे उठे थे, ठीक है ना? यू कांट ब्लेम मी ऑलवेज। चल चल नहीं जा। Just shut up and talk to my hands. तो ये है नजारा भाई साहब, भयंकर भीड़ है यार। वही तो, ऐसा लग रहा शादी में आए हैं, जमगढ़ में खाना। अली भर भर के लोग खाना ले जा रहे हैं। यम्मा मियां, बहुत सारा आइटम है। मैंने सुना है कि IKEA का खाना बहुत टेस्ट। ओ अच्छा, कि पूरा क्यों है बाबा? बट कोई नहीं, एक बार हम लोग खा लेंगे फिर घूमने में मजा आएगा। बहुत गंदा वाला, कतई भीड़ है। वाओ, आई हैव क्रॉसो, वो ग्रीन ग्रीन रोटी क्या है? वो पालक के साथ। नहीं है, वो कोई रोल है? नहीं, दैट इज दिस शावरमा। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तुम दूसरे के थाली से पहले देखते हैं कि कौन क्या क्या लेके जा रहा है। तो फिर पता चल जाएगा कि मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है, टेस्टी क्या होगा ज़्यादा। खाना ही खाना, अब आएगा मजा। खाना ही खाना है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खुद से ज़्यादा तो इस खाना का फोटो ले चुका है और वीडियो ले चुका है, बट खाना दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई जस्ट होप कि खाने में उतना ही टेस्टी हो। दिखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है, आई जस्ट होप खाने में भी हो। कैसा है उसका टेस्ट? You can taste it. Class me pee. Yeah. What is this? ये क्या प्रजाति का है? ये कौन सा प्रजाति है पता नहीं। भैया। दूसरे वाले लाएंगे। हमको taste समझ में तो पता भी नहीं चल पाया कि what flavor it is. Too much of acidic. हाँ. Not that great. जीरो, 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 इसको हम जीरो। द वर्स्ट घटिया खाना अवार्ड गोज टू नन अदर देन IKEA। मतलब बहुत ही ज्यादा घटिया खाना था और हम लोग हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। पिछले ऑलमोस्ट हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं ना, 2 घंटे 2.5 घंटा ऑलमोस्ट 2.5 घंटा से हम लोग आदम के जमाने का बात कर रहे हैं, मतलब अपने कॉलेज का, क्या सही क्या गलत सारा हम लोग गॉसिप कर लिए। और अभी वैसे बज गया है, 4 बजने जा रहा है। हम लोग यहाँ पे कब खाना लेके बैठे थे? 2 बजे बैठे थे। हाँ, तो हम लोग IKEA में देखना भी हम लोग को सामान, लेकिन नहीं, हम लोग के लिए तो गॉसिप इम्पोर्टेंट है। गॉसिप थोड़ी ना, गॉसिप तो क्या किया, बिचिंग बिचिंग गॉसिप में नहीं है, तो जेन मतलब हम लोग इतना सेल्फ रियलाइजेशन में, बहुत भावनाओं में बह गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग को अपना भावनाओं का लय तोड़ के हम लोग को देखने जाना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। बैंगलोर वाटर स्कैसिटी या एंड जो लोग बैंगलोर में होंगे उन लोगों को तो पता चल ही गया होगा, पता चल ही क्या गया होगा, मतलब जो लोग बैंगलोर में रह रहे होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि पानी का कितना ज़्यादा कमी हो गया है बैंगलोर में। बट थैंकफुली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नो स्कैसिटी येट फॉर यू। यस, फॉर मी। तुम्हारे मंडी में खत्म हो गया पानी? बोरिंग सूख गया है, तो कावेरी का पानी आ रहा है। आई थिंक इट्स दैट इट्स बिकॉज क्योंकि मेरे घर के सामने लेक है ना। मैं तो लेक का गंदा वाला पानी पीती है। एटलीस्ट मेरे पास पानी तो है, तेरे पास वो भी नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग जब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आसपास में इतने सारे लोग बात कर रहे हैं कि पानी का इशू है, पानी का इशू है, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है। मतलब
it's going to be very difficult for Bangaloreans. ना पैसे हैं हमारे पास, हमारे पास ना पैसे हैं ना पानी है, तो क्या है हमारे पास? हम लोग के पास बस माँ है. हमारे पास मोदी जी है. मोदी जी, मोदी जी जिंदा. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, एस्थेटिक. इसलिए हम लोग थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैठने के लिए हमारे पास बहुत जगह है. एंड आई एम डैम टायर्ड. बट यहाँ पे लाइट कितना सुंदर है यार, कितना फ्लॉलेस चेहरा मेरा दिख रहा है. देख, एक पिंपल का दाग नहीं दिख रहा है. हम लोग पिछले 4 घंटा से शॉपिंग कर रहे हैं और ये आदमी हमको बाहर भी नहीं निकाल रहा है. जो चीज देख रहे हैं वही पसंद आ जा रहा है, वही खरीदना है. क्या करे आदमी, आदमी करे तो करे क्या. सब लोग तुम्हारे जैसा रिच नहीं है. मैं रिच, आई एम नॉट अ रिच ब्रैट लाइक यू. ओह माय गॉड, भाई कितना मस्त मस्त है यहाँ पे. प्लांट्स, प्लांटर, मतलब सारा ही चीज अच्छा है. और अभी हम सोच रहे हैं ये वाला प्लांट लेने का, बट हम थोड़ा डाइसी हो रहे हैं. देखते हैं क्या अप्रूवल दे दिया ने. पति का अप्रूवल से ऑब्वियसली है, बहुत है भाई. वीडियो में देखेगा मेरा पति, वीडियो देखेगा. ये फंस गया, पति से बहुत है. इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस. इतना सुंदर सुंदर प्लांट्स है. दो ये आर्टिफिशियल है, बट देखने से बहुत ही ओरिजिनल एस्थेटिक है सारे ही प्लांट्स का. सारा लेते हैं. और ये वाला है जो हमको पसंद आया है. अभी नहीं तो बाद में तो हम ले ही लेंगे, लेकिन अभी के लिए सोच रहे हैं इसको थोड़ा स्किप करते हैं. हो गया हम लोग का आइकिया से शॉपिंग डन, और अभी बज रहा है 7:30 शाम का. इतना चक्कर लगाया, इतना चक्कर लगाया है, आई एम टोटली डेड नाउ. बट ये अच्छा है ना, यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो का है. बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी के लिए सीन ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे ओरायन मॉल, और ओरायन मॉल जाएंगे, फिर ऐसे ही कुछ कुछ करेंगे हम लोग, खाएंगे पिएंगे. हाँ मतलब डिनर करके ही हम लोग, फिर डिनर करके हम लोग अपने अपने घर चल जाएंगे. मैं ये इस बहन का ये लेके जा रहा हूँ, इतना बड़ा था. तो बस सीन यही है कि हम लोग अभी ओरायन जाएंगे, डिनर करेंगे, और फिर हम लोग वहाँ से अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे. बट इतना चले है ना, इतना चले हैं, हमको लगता है कि आज मेरा 20K स्टेप्स हो ही गया होगा. जस्ट जोकिंग.
मेरे को चाय हो ना, चाय मिलेगा तुमको मॉल में, रोड पे पी के जाएंगे भाई। बहुत ज्यादा अब थकान लग रहा है मेरा, खड़े खड़े मेरा अचानक से कमर और पैर ही लॉक हो गया था। अभी क्या हुआ, एक आदमी पूरा मेट्रो का जो ट्रैक है उसके पास जाके खड़ा हो रहा था, तो जो गार्ड भैया है जो यहाँ पे रहते हैं, वो भैया वो बोलते हैं जरा सा अभी दिमाग नहीं है उसको। जरा मैंने बहुत क्यूटली बोला यार, रूड नहीं था बेचारा, तो सोच रहा था जरा भी दिमाग नहीं। यस श्योर है वो चाय वाला है? अरे यार हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और वॉक करके आए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि मॉल का चाय जो है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता उतना, तो एकदम मेरे को चाहिए था कि नॉर्मल अदरक वाला चाय पीना है। उस वजह से हम लोग बस ढूंढे जा रहे मिल ही नहीं रहा है। शिट कितना भीड़ है यार यहाँ पे। हम लोग ये करें क्या, यहाँ पे कोई जो भी लिया होगा उससे पूछे एक बाइक खिला के दिखाओ देखिए क्या। नहीं ये कितना सुंदर लग रहा है, पूरा जगमगाता। तो गाइस जो कि मेरा फोन है अभी चार्ज पे, तो हम ले लिए हैं आकीब का फोन जो कि है iPhone 14, और अब हम उससे व्लॉग करेंगे। तो अगर मेरा फेस तो आपको ज्यादा सुंदर दिख रहा होगा बाई एनी चांस, तो वो मेरा फेस ही है ना कि इसका फोन। थैंक यू। बाय द वे हम लोग का चाय आ गया है, और गजब वाला भीड़ था यार रामेश्वरम कैफे में। वो लोग ऐसा क्या खिला रहा है भाई कि पूरा दुनिया एकदम पूरा एकदम गागा ओवरलैंड हो रहा है, एकदम भयंकर। मतलब उन लोग का जो पूरा रोड के साइड वाला जो स्टेज है ना, वहां तक लोग बैठ के खाना मतलब खा रहा है, पूरा समस्त परिवार खा रहा है, अकेले भी नहीं समस्त परिवार खा रहा है, कैन यू गाइस इमेजिन। बाय द वे हम लोग का चाय आ चुका है, और साथ ही में हम लोग को भूख भी लग ही रहा है, तो हम लोग डोसा ऑर्डर कर दिए क्योंकि इनके पास और कुछ भी नहीं है। बन मस्का हम बोले थे बट कुछ भी नहीं है इनके पास, तो वही ऑप्शन है अभी के लिए, बस अपना चाय पीते हैं। हाउ इज द टी? गर्मी में चाय मजा है, पर चाय तो चाहिए, सर दुख रहा था। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत टेस्टी है बट इट्स गुड। बेचारा आके पूरे रास्ते कैरी बैग और वो जो रेक लेके आए हैं उसको उठा उठा के चल रहा है। इतना बोल रही हूँ कि दो मैं भी थोड़ा उठा लेती हूँ, बट दे ही नहीं रहा है। हम लोग पहुँच गए ओरायन, और अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को खाना क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है, एंड वी डोंट नो कि हम लोग को खाना क्या है। पिज्जा नो। ये है हमारा डिनर, मैंने लिया था अपने लिए पनीर, मैक्सिकन पनीर, पेरी पेरी पोटैटो, कैलिफोर्निया बरीतो, और इसका है पता नहीं क्या क्या है तुम्हारा, डोमिनोज चीज, डोमिनोज चीज डोमिनोज, वही तो हम बोले। और ये पता नहीं क्या लिया है रंग बिरंगा सा, सुबह भी पिया था रंग बिरंगा जो एकदम घटिया था। ये वाला थोड़ा सही है। और अभी हम लोग जो आई गेस सामान लिए ना, हम लोग एक ही कैरी बैग लिए, ठीक है, तो आकीब ने भी थोड़ा बहुत सामान लिया था, तो ये बेडशीट लिया है, और इसका दो मतलब कुछ हैंगर है कपड़े का, और क्या तेरा, और कुछ तो वो टिफिन बॉक्सेस है, ठीक है। तो अभी कैरी बैग है नहीं हम लोग के पास, और इधर आस पास में देंगे नहीं क्योंकि सारा पेपर बैग ही होगा जो कि इसको कैरी ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसको आइडिया दिया है कि तू एक पिल्लो कवर निकाल, उस पिल्लो कवर को तू एज अ झोला यूज कर, और वो वही कर रहा है। हम तो गरीब आदमी है झोला लेके निकल जाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वाह यार देख कितना सही हो गया, निकाल तेरा बॉक्स। जबरदस्त खिला ले, हो गया हैप्पी नाउ, मस्त। अब लेके तू चले जा, पीछे टांग ले तू पीठ पे। तो कर दो मेरे व्लॉग में तुम कुछ, दो लफ्ज प्यार से बोल भी दो। हेलो हाय हाउ डू यू डू,
why? पूरा दिन बहुत अत्याचार की है ये औरत मेरे को, ठीक है, थोड़ा गरे मुर्दे उठाई है। राइट, सो घर पहुंच गए हम। आकीब भी अपने घर के लिए निकल गया था ओरायन मॉल से ही, अभी ट्रैफिक नहीं था तो मैं बस आई थिंक ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर ही मैं घर पहुंच गई, वो एक अच्छा चीज हुआ। ट्रैफिक होता तो काफी टाइम लग जाता। एंड बाय द वे टाइम हो रहा है 10:30 से ऊपर हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है। एंड काफी ज्यादा थक गई हूँ यार, इतना चली हूँ ना आज आइकिया में। बट एनी वेज घर पहुंच गए हैं और अभी बस फ्रेशन अप होंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन भी बहुत जल्दी शुरू किए थे, क्योंकि बहुत सारा घर का भी काम निपटा के ही जाना था, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि निपटा के ही जाना था बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, तो बस उस कारण से। एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग कि थोड़ा सा जल्दी अपना दिन शुरू करूं, क्योंकि अभी लेटली आई हैव बीन सो लेजी, उस वजह से आई हैव टू मेक श्योर कि हाँ मैं अपना दिन थोड़ा जल्दी शुरू करूं, क्योंकि आई हैव बहुत सारा हैबिट्स मैं अपना चेंज कर रही हूँ, तो आई नो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और ऑब्वियसली फॉलो नहीं करूँगी रिलीजियसली तो वो चीज़ चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से आई रियली वॉन्ट कि एक जो हैबिट है ऑफ वेकिंग अप अर्ली उसको मेरे को कैसे भी करके ठीक करना है। वो रहा मेरा आइकिया का सामान, तो आकीब का भी सामान था जो कि वो ले गया है, आपको दिखाई दिया कि कैसे वो बेचारा लेके गया है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कवर था ही नहीं। तो यस, वो रहा मेरा सामान। और जिन लोग को भी देखना है कि हाँ मैं आइकिया से क्या लेके आई हूँ, प्लीज कमेंट करके बताएं, तो ही मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज ठीक है रहने दो। अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई मैंने क्या लिया है, तो वो मैं अगले व्लॉग में दिखा दूंगी। एंड या ऑन दैट नोट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ लीव। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो लाइक करके जाना यहाँ तक देख लिए हो तो। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही कहना है। चलो बाय बाय।